Which one of the following can move from one place to another on its own? A. Plant, B. Chair, C. House, या D. Rabbit. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक जगह से दूसरी जगह खुद अपने से मूव कर सकता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द रैबिट. हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम. आज मैं आपके लिए क्लास फर्स्ट साइंस सब्जेक्ट से सिल्वर जोन ओलंपियाड के सिलेबस एंड सैंपल पेपर लेकर आई हूँ. अगर आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में है या आप क्लास फर्स्ट की साइंस के सिल्वर जोन ओलंपियाड के सैंपल पेपर और सिलेबस जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. हमारे चैनल पर आपको एजुकेशनल वीडियो ओलंपियाड से रिलेटेड या क्लास वाइज क्लास फर्स्ट से एट तक के क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस सेट एंड ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस पेपर सैंपल पेपर एंड प्रैक्टिस सेट मिलेंगे. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहला यूनिट है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जिससे 2 क्वेश्चंस आते हैं. टोटल मार्क्स जो है 7 रहते हैं. नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड एनिमल. प्लांट एंड एनिमल में भी प्लांट और एनिमल्स चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आते हैं. 17.5 मार्क्स के होते हैं. फूड एंड क्लॉथ के अंतर्गत फूड वी ईट क्लॉथ वी वियर ये 2 चैप्टर्स होते हैं. इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं एंड टोटल मार्क्स 7 रहते हैं. नेक्स्ट आवर एनवायरमेंट के अंतर्गत एयर वाटर एंड इट्स रिसोर्सेज इस चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस रहते हैं एंड टोटल नंबर्स ऑफ मार्क्स 7 रहते हैं. नेक्स्ट है आपका आवर सराउंडिंग. आवर सराउंडिंग के अंतर्गत आवर फैमिली एंड नेबरहुड एंड सेप्टेरोस ये 3 चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 2 रहते हैं एंड टोटल मार्क्स 7 रहते हैं. फिर हो जाता है ह्यूमन बॉडी. चैप्टर ह्यूमन बॉडी इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 7 मार्क्स के हो जाते हैं. एंड इसमें चैप्टर्स हो जाता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. साइंस ओलंपियाड में साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा रीजनिंग और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो इससे 5 मार्क्स के इच क्वेश्चंस रहते हैं एंड 4 क्वेश्चंस रहते हैं 20 मार्क्स के. एंड स्कॉलर जोन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 5.5 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि 27.5 मार्क्स के रहते हैं. स्कॉलर जोन में सिलेबस ऑलमोस्ट जो ये यहाँ से यहाँ तक आपके साइंस के जो सिलेबस हैं इसी सिलेबस से स्कॉलर जोन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन ये हाई थिंकिंग क्वेश्चंस रहते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहते हैं और 100 ऑफ मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं और ड्यूरेशन बच्चों को 40 मिनट्स का दिया जाता है. तो ये थे सिलेबस. चलिए अब हम देखते हैं इसके सैंपल पेपर किस तरह के आते हैं. ये हमारा सैंपल पेपर स्टार्ट हो जाता है. चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये हमारा सैंपल पेपर है सिल्वर ओलंपियाड साइंस के क्लास फर्स्ट के चैप्टर्स क्लास फर्स्ट के हम सैंपल पेपर देख रहे हैं. नंबर 2 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन पिक्चर्स. एलिफेंट फूड याम ये इमेज जो है याम एलिफेंट फूड का है. ए इट इज एन एग लेड बाय अ बर्ड. बी इट इज एन एनिमल प्रोडक्ट एंड ग्रो इन वाटर. सी इट इज वेरी सॉल्टी इन टेस्ट. या डी इट इज अ प्लांट प्रोडक्ट एंड ग्रो अंडर द सॉइल. इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी. इट इज द प्लांट प्रोडक्ट एंड ग्रो अंडर द सॉइल. ये एक प्लांट प्रोडक्ट है और इसका ग्रो जो है मिट्टी के अंदर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई द एनिमल बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो. ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक कौन से एनिमल्स में पाए जाते हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना है. 1 इट कैन लिव वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. इसमें से यह धरती और पानी दोनों पर रह सकता है जमीन और पानी दोनों पर रह सकता है. बी इट इट्स इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े खाता है. एंड 3 इट यूजेज इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग टू टेक इट्स फूड इनसाइड. यह अपने फूड को अंदर डालने के लिए खाने के लिए अपने लॉन्ग स्टिकी टंग को यूज करता है. सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फ्रॉग. क्वेश्चन नंबर 4
Which one of the following cloth is specially made to warm during the winter season? इसमें से कौन सा ऐसा cloth है जिसको specially winter season में पहना जाता है? A shirt, B sweater, C t-shirt या D all of these. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी स्वेटर. स्वेटर को हम विंटर सीजन में पहनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. आइडेंटिफाइंग द सेरेलेक फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से सेरेलेक कौन सा होता है? ए ब्लैक जम्स, बी टी, सी कॉर्न, डी किडनी बीन. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कॉर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. हु अमंग द फॉलोइंग यूजेस द गिवन इंस्ट्रूमेंट. इसमें से इस ऑप्शन में से कौन लोग इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं? ए प्लम्बर, बी कारपेंटर, सी कॉबलर या डी पेंटर. सो करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें ऑप्शन बी कारपेंटर. कारपेंटर जो है इस इंस्ट्रूमेंट को लकड़ी काटने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. आइडेंटिफाई द हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड कौन सा है? ए बर्गर, बी पिज्जा, सी चिप्स या डी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. आइडेंटिफाई द इंसेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से कौन सा इंसेक्ट है? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे. ओलंपियाड एंड क्लास 1 से 8 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वर्कशीट, वीडियो एंड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, पेपर, प्रैक्टिस से आपको यहाँ पर मिलेंगे. चलिए नेक्स्ट नंबर 10. लुक एट द फॉलोइंग एनिमल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस. ए चीता, बी गॉट. ए चीता इज द ग्रास ईटिंग एंड गॉट इज द प्लेस ईटिंग एनिमल. बी चीता इज अ फ्लैश ईटिंग एंड गॉट इज अ ग्रास ईटिंग एनिमल. नंबर सी चीता एंड गॉट बोथ आर ग्रास ईटिंग एनिमल एंड डी चीता एंड गॉट बोथ आर फ्लेश ईटिंग एनिमल. फ्लेश ईटिंग एनिमल उसे कहते हैं जो कि नॉन वेज और वेज दोनों खाते हैं, वो हमारे फ्लेश ईटिंग एनिमल्स हो जाते हैं. सॉरी, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या कार्निवेरस एनिमल्स में इनको कहा जाता है. एंड गॉट इज द ग्रास ईटिंग एनिमल सी. सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चीता इज द फ्लैश ईटिंग एंड गॉट इज द ग्रास ईटिंग एनिमल. करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी. आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आप और कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, सिल्वर ओलंपियाड के कौन से क्लास के वीडियो आप देखना चाहेंगे. तो आज के लिए इतना ही. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए. थैंक यू.